जो सबका जो आप रेस्क्यू मतलब सीआरटी जो 200 दिन के लगभग 12 बजे और रेस्क्यू बुलाया था सुभागपुरा, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर सांप घुस गया ईंटों के अंदर, तो आपको निकाल के बताएंगे दोस्तों, वीडियो बनाया कि खतरा तो हो भी सकता है। आइए दोस्तों देखते कौन सा सांप है। लगभग उदयपुर के समीप है सुभागपुरा, आगे सर के जस्ट आगे वाले चला है सुभागपुरा, सुभागपुरा से लगभग ये 200 मीटर का अंदर रास्ता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट का भी जैसा कि देखते आस पास तो आप निकाल के बताइए। दोस्तों जैसा कि हमें सांप दिख चुका है, हमने ईंटें हटा चुकी है, तो इंडियन ब्लैक कोबरा है जिसे आम भाषा में लोग नाग कहते हैं, तो आपको गरीब से दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कोबरा सांप है और यहाँ पर बैठा हुआ है पत्थरों ईंटों के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफी स्थिति वो वाली है, यहाँ पर अगर लेबर काम करे और अगर हाथ से हटाती है तो यहाँ पर कोबरा बाइट हो सकता है। ऐसे कंडीशन में कोबरा बाइट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर सांप आपको काट ले तो सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए और कहिए कि हमें कोबरा सांप ने काटा है, तो आपकी मौत नहीं होगी। अगर आप बाबा और ओझाओं के चक्कर में रहेंगे तो आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि ये सांप अगर काटता है तो अगर आपने हॉस्पिटल तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कोबरा दिख रहा है और काफी क्लियर दिख रहा है, और ऐसे देख सकते हैं आप इसके बिल्कुल ब्लैक कोबरा है, इंडियन ब्लैक कोबरा। ये लगभग 4 से 4.5 के बीच में होगा और यहाँ ईंटों के बीच में फंस चुका है, इससे हमें यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। दोस्तों जैसा कि देखते हैं कोबरा ईंटों के अंदर चल रहा है और हम इसे यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना इसको रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हमने रेस्क्यू किया था सुभागपुरा से, ये इंडियन ब्लैक कोबरा है जिसे हम आपके सामने फॉरेस्ट में रिलीज कर रहे हैं।
तो हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जैसे कि आप वीडियो पर देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बस सी यू सून।